क्रिकेट फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, आईपीएल 2023 में होगी सुरेश रैना की वापसी। दोस्तों, अगर आप भी सुरेश रैना को आईपीएल में खेलते हुए फिर से देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दे, आईपीएल मिनी ऑक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आईपीएल ऑक्शन में अब महज 6 दिनों का ही समय बचा है। 23 दिसंबर यानी शुक्रवार को कोची में 405 खिलाड़ियों पर बोली लगने जा रही है। हालांकि नाम जरूर 405 खिलाड़ियों का पुकारा जाएगा, लेकिन खरीदारी ज्यादा से ज्यादा 87 खिलाड़ियों की ही होगी, क्योंकि सभी 10 टीमों के पास अब केवल इतने ही स्पॉट खाली है, बाकी सभी खिलाड़ी अनसोल्ड चले जाएंगे। टीमों ने भी कमर कस ली है और जल्द ही टीमों का स्टाफ कोची पहुंचता हुआ नजर आएगा, जहां पर खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिस्टर आईपीएल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रहे सुरेश रैना का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि पिछले साल सुरेश रैना आईपीएल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उनकी वापसी होती हुई साफ दिख रही है। सुरेश रैना ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, साल 2020 का आईपीएल यूएई में खेला गया था, लेकिन इससे पहले की मुकाबले शुरू होते सुरेश रैना यूएई छोड़कर भारत वापस आ गए थे। इसके बाद साल 2021 के आईपीएल में वे नजर आए, लेकिन आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन इस साल के मिनी ऑक्शन में सुरेश रैना फिर से नजर आने वाले हैं। आईपीएल में एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने 4 बार खिताब पर कब्जा किया है। इसमें सुरेश रैना की भी बड़ी अहम भूमिका रही। सुरेश रैना ने लीग मैच और फाइनल में खूब रन बनाए थे। कई बार ऐसा मौका आया जब टीम फंसी हुई थी, तब सुरेश रैना ने ही मुश्किल से टीम को निकालने का काम किया था। आपको बता दें कि इस बार वे आईपीएल तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में जरूर दिखाई देंगे। सुरेश रैना जियो सिनेमा पर बतौर एक्सपर्ट दिखाई देंगे। मिनी ऑक्शन का लाइव प्रसारण जियो सिनेमा पर किया जाएगा। आईपीएल ऑक्शन के बाद एक्शन होगा, तब भी हो सकता है सुरेश रैना कमेंट्री करते हुए दिखाई दे। भले मैदान पर नहीं, लेकिन बतौर एक्सपर्ट ही सही, लेकिन उनके फैंस के लिए ये अच्छी खबर तो है ही। दोस्तों, आप भी अगर सुरेश रैना को शानदार प्लेयर मानते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।